हेलो दोस्तों, क्रिएटर बुज में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूट्यूब शॉर्ट मोनेटाइजेशन ऑन होने के बाद आपको जो रेवेन्यू मिलने वाली है वो कितनी और कैसे मिलने वाली है। साथ ही में शॉर्ट वीडियोस पे हम कुछ और डिस्कस करेंगे जो कि वीडियो के आखिर में होगा, लेकिन बहुत ही यूजफुल होगा, उसको मिस मत करिएगा। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप करके आगे जा सकते हैं, अगर ये सब आप जानते हैं कि कैसे रेवेन्यू शेयर होगी। अगर आप नहीं जानते तो इस वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिए, आपको बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि शॉर्ट यूट्यूब मोनेटाइजेशन कैसे होता है। बहुत लोगों को मालूम है, ये आपको 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, उसके बाद दो ऑप्शन आपके पास रहता है, या तो 1 करोड़ व्यू लाइए या 4000 घंटा अपने चैनल पे कंप्लीट करिए तो आपका चैनल जो है मोनेटाइजेशन के लिए जा सकता है। जिनका चैनल मोनेटाइज है वो अब शॉर्ट वीडियो से भी अर्निंग करेंगे। तो ये अर्निंग कैसे होने वाली है आज की वीडियो में बात करेंगे, और साथ ही बात करेंगे कि क्या आप शॉर्ट वीडियोस में कॉपीराइट मटेरियल यूज कर सकते हैं, इसके बारे में हम आखिर में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यूट्यूब शॉर्ट्स से जो रेवेन्यू मिलेगी उसको किस तरीके से आपको यूट्यूब देगा, आपको कितनी मिलेगी। वैसे तो बहुत सारे लोग जानते हैं कि 45% मिलेगी, लेकिन 45% कैसे मिलेगी वो आज की इस वीडियो में आपको डिटेल से बताने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूट्यूब शॉर्ट्स के अंदर आपको कैसे ऐड मिलेंगे। तो यूट्यूब शॉर्ट्स के अंदर आप जब स्क्रॉल करेंगे तो इस तरीके से 4-5 वीडियोस के बीच में आपको ऐड दिखेगा। अब इन 4-5 वीडियोस के बीच में भी ऐसे चैनल की वीडियोस होंगी जिनके चैनल मोनेटाइज ना हो। यहाँ पर जो चैनल मोनेटाइज नहीं होगा उसको वो रेवेन्यू नहीं मिलेगी, बाकी जितने भी चैनल मोनेटाइज होंगे उनको वो रेवेन्यू मिलने वाली है। तो YouTube खुद बता रहा है कि यहाँ पे जो भी अर्निंग होगी उसको वो दो जगह पे बांटेगा, एक क्रिएटर पूल के नाम से एक कैटेगरी बनाएगा और दूसरा म्यूजिक के नाम से। तो 45% आपके जो क्रिएटर पूल रहेगा उसमें डाल देगा, और अगर म्यूजिक आप यूज़ किए रहेंगे तो उसका बाकी हिस्सा जो है म्यूजिक वाले को मिल जाएगा। अगर आप म्यूजिक नहीं यूज़ किए रहेंगे तो पूरा परसेंट आपके क्रिएटर पूल में चला जाएगा। एक बात क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ की यूट्यूब शॉर्ट्स के अंदर अगर आप एक से ज़्यादा म्यूजिक ट्रैक को यूज़ करेंगे तो उसका परसेंट आपका बढ़ता जाएगा। जैसे अगर आप दो म्यूजिक ट्रैक यूज़ करेंगे तो उसको 66% जाएगा, अगर आप एक म्यूजिक ट्रैक यूज़ करेंगे तो उसको 30% जाएगा। तो इस तरीके से आपका बंटवारा होगा म्यूजिक के बीच में। अब आपके मन में ये आता होगा कि अगर हम कॉपीराइट म्यूजिक को यूज़ करें तो क्या होगा, इसके लिए हम अभी आगे आपको बताने वाले हैं क्या होने वाला है। उससे पहले हम ओवरऑल में जान लेते हैं कि कैसे बंटवारा होगा आपकी जो अर्निंग होगी। तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम म्यूजिक नहीं ऐड किए हैं तब भी उसी क्रिएटर पूल में आपकी अर्निंग ऐड होगी, और जो क्रिएटर ऐसे हैं जिनको म्यूजिक ऐड किए हैं उनकी भी अर्निंग ऐड हो रही है। तो आपको एक बात का ध्यान देना है कि जब आप अर्निंग यहाँ पे ऐड होगी क्रिएटर पूल में तो आपका परसेंटेज बनता रहेगा कि आपने कितने परसेंटेज यहाँ पे मतलब क्रिएटर पूल में अर्निंग आपकी जुड़ी है। उसके बाद आप मान लीजिए 5% आपकी क्रिएटर पूल्स के अंदर आपकी अर्निंग जुड़ी है तो आपको 5% मिलेगा। एग्जांपल के लिए अगर आपके पास $1000 यहाँ पे क्रिएटर पूल में हो रहा है तो इसका 45% आपको $450 मिलेगा। तो इस तरीके से आपका क्रिएटर पूल से आपकी अर्निंग होगी। म्यूजिक वाली अर्निंग से आपका पहले ही से म्यूजिक डिटेक्ट हो जाएगी जो कि क्रिएटर पूल के अंदर नहीं जाएगी, तो आपको इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके वीडियो के साथ म्यूजिक है कि नहीं है। अब बात करते हैं कि क्या कॉपीराइट म्यूजिक को यूज कर सकते हैं। तो जी दोस्तों, यूट्यूब बिल्कुल इसको अलाउ कर रहा है कि आप YouTube शॉर्ट्स के अंदर कॉपीराइट मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं। किसी दूसरे की वीडियो को भी आप यूज़ कर सकते हैं, बशर्ते कि उस वीडियो में एक नयापन देखने को मिले, जैसे आप किसी के वीडियो पे रिएक्शन दे सकते हैं या कुछ उसमें वैल्यू ऐड करके आप उसको कम्प्लीटली अपनी वीडियो बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज है और आप देखना चाहते हैं कि शॉर्ट्स से कैसे अर्निंग होगी, तो यहाँ पर मेरा एक चैनल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मैसेज आ चुका है कि ऑल शॉर्ट्स व्यूज ऑन योर चैनल आर नाउ बीइंग कंसीडर फॉर शॉर्ट्स फीड्स एंड यूट्यूब प्रीमियम रेवेन्यू शेयरिंग। एनीवे आपको आना होगा एनालिटिक्स में, यहाँ पे आपको एनालिटिक्स मिल जाएगी। इसके अंदर आप जब जाएंगे रेवेन्यू के अंदर तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि कॉन्टेंट परफॉर्मेंस वीडियो से $32 बना है। आगे आपको एक शॉर्ट्स का एक टैब मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये दे देगा यहाँ पे जितने भी डेट यहाँ पे सिलेक्ट रहेंगे उसके अंदर ये इतनी रेवेन्यू हुई है आपके शॉर्ट से। इसी तरह यहाँ पे लिखेंगे हाउ यू मेक मनी, तो यहाँ पे ऑल है। वीडियोज़ में जाएंगे तो आपका वीडियो से हो जाएगा कि वीडियो से कितना है, प्रीमियम से कितना है। शॉर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका शॉर्ट से देगा कि वॉच पेज ऐड जो आता है वीडियोज़ के बीच में उससे कितनी अर्निंग हुई है।
अगर आपका YouTube मोनेटाइज है तो आपको एक ईमेल भी मिला होगा इस तरीके से। इस ईमेल में भी आपको शॉर्ट रेवेन्यू के बारे में डिटेल से बताया है। तो जितने भी चैनल रहेंगे उतना ईमेल आपका आया रहेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे काफ़ी चैनल मोनेटाइज है तो सभी का ईमेल आया है। तो इस तरीके से आसानी से आप समझ गए होंगे कि शॉर्ट्स वीडियोस की रेवेन्यू कैसे आपके साथ शेयर होगी और शॉर्ट्स वीडियोस के अंदर आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, सजेशन हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वॉचिंग, टेक केयर, बाय।